हेलो गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी दा होस्ट ऑफ स्पीसीज। होस्ट ऑफ स्पीसीज क्या होंगी? देखो डेफिनेशन, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टाउ इज कॉल्ड T2 स्पेस और होस्ट ऑफ स्पेस। होस्ट ऑफ स्पेस ना आप एक और नाम दे देने, क्या बोल दिया सी नो T2 स्पेस भी बोल दें होस्ट ऑफ स्पेस ना। सो कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटर्न हो असी T2 स्पेस जा होस्ट ऑफ स्पेस कदों कहना है? इफ एंड ओनली इफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई इन एक्स। असी दो पॉइंट ले ले, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई मतलब दोनों की होने चाहिए है डिफरेंट होने चाहिए है, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। केदे पॉइंट ले तुसी एक्स से, देयर एग्जिस्ट नेबरहुड यू ऑफ एक्स एंड नेबरहुड वी ऑफ वाई सच दैट यू इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू फाइव। देखो सिंपल है, बिल्कुल डेफिनेशन, असी दो एलीमेंट से लई तुहाडे कोल डिफरेंट नेबरहुड एग्जिस्ट करनी चाहिए है। एक्स ले नेबरहुड अलग एग्जिस्ट करे यू, एंड वाई ले नेबरहुड कौन एग्जिस्ट करे वी सच दैट दोनों की इंटरसैक्शन क्या होए फाइव होए, मतलब दोनों विच कुछ भी, दोनों की नेबरहुड विच कुछ भी कॉमन ना आए। बस यही है सिंपल जी डेफिनेशन होस्ट ऑफ स्पेस की। और असी नेबरहुड की जगह ते ओपन सैट भी कह सकते हैं, बिकॉज ए टोपोलॉजी ते केड़ी डिफाइन है टाओ, तो असी कह सकते हैं फॉर एवरी एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट टाओ ओपन सैट यू एंड वी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू वाई बिलोंग्स टू वी एंड यू इंटरसेक्शन वी इक्वल्स टू फाइव। फॉर ऑल मतलब हरेक एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई ले साडे कोल ओपन सैट एक्स लई एग्जिस्ट करे यू वाई लई एग्जिस्ट करे वी सच दैट दोनों दी इंटरसेक्शन की होए फाइव। मतलब चाहे नेबरहुड वाला कंसेप्ट लगा लो चाहे ओपन सैट वाला। ठीक, फर्स्ट एग्जाम्पल है प्रूव दैट एवरी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ होस्ट ऑफ स्पेस। तुसी प्रूव करना है कि सारिया डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेसिज ओ की हुंदी है होस्ट ऑफ स्पेसिज हुंदी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस केड़ी हुंदी है? पावर सैट एक्स, यही हुंदी है साडे कोल डिस्क्रीट। ए सारिया पढ़िया हुई टोपोलॉजीज असी लेके चल पहले टेक्स टी बी दा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। हुण असीं इहनूं होस्ट ऑफ प्रूव करना। होस्ट ऑफ दे लई असीं दो एलीमेंट लैके चलदे आं एक्स दे, दोनों एलीमेंट की हुंदे डिफरेंट हुंदे। असीं लैके चल पए लेट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई बी एनी टू पॉइंट्स ऑफ एक्स। हुण असीं प्रूव की करना, एक नेबरहुड जां इक ओपन सैट इहदे लई एग्जिस्ट करदा एक्स लई, एक वाई लई एग्जिस्ट करदा सच दैट दोनों दी इंटरसैक्शन है फाइव। सिंस डी इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन अ सैट एक्स, डी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। और मैं तुहानू दस्या सी डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे जिहड़े बेसिस दे विच एलीमेंट हुंदे ओह किद्दां दे हुंदे, सिंगलटन सैट एक्स टाइप मैंबर हुंदे इहदे बेसिस दे विच डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे। ठीक, और सानू पता है बीटा सबसेट टाओ दा है, इहदा मतलब अगर एक्स सिंगलटन सैट एक्स बीटा नू बिलोंग करदे इहदा मतलब सिंगलटन सैट एक्स कादे विच चले गए टाओ दे विच चले गए। अगर सिंगलटन सैट एक्स टाओ दे विच है जेड़ा भी सैट टाओ दे विच हुंदा ओह की हुंदा ओपन हुंदा, देयरफोर साडे कोल जेड़ा सिंगलटन सैट एक्स ओह की आएगा ओपन सैट, और ए पॉइंट एक्स नू की करेगा कंटेन करेगा। एंड सिंगलटन सैट वाई भी की होएगा ओपन सैट कंटेनिंग वाई, जिदा असी एक्स नू बिलोंग टाओ कराया एदां ही कोई भी होर एलीमेंट अगर वाई एग्जिस्ट करदा तां सिंगलटन सैट वाई ओहदे बीटा बेस्ड होएगा। ठीक, सो वाई सिंगलटन सैट वाई भी साडे कोल की है ओपन सैट कंटेनिंग पॉइंट वाई। आलसो असीं दोनों दी अगर इंटरसैक्शन चैक करिए, इस सैट दे विच सिर्फ एक्स टाइप दे मैंबर है, इहदे विच सिर्फ वाई है, इहदा मतलब दोनों दी इंटरसैक्शन भी की होएगी फाइव। हैं साडे कोल एक्स टी की आ जाएगी होस्ट ऑफ स्पेस। साडे कोल प्रूव हो गया सी दो डिफरेंट एलीमेंट लए सी उहनां लई तुसीं दो एक्स लई ओपन सैट एग्जिस्ट सिंगलटन सैट एक्स कराता, वाई लई तुसीं सिंगलटन सैट वाई, दोनों दी इंटरसैक्शन आ गई फाइव। सो साडी डेफिनेशन होस्ट ऑफ स्पेस ही कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है एग्जाम्पल सेकेंड, यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस इज अ होस्ट ऑफ स्पेस। असीं हुण इहदे विच प्रूव करना जिहड़ी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस हुंदी है ओह भी की हुंदी है होस्ट ऑफ स्पेस हुंदी है। हुण यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस दी तुसीं डेफिनेशन पढ़ी होई कि इहदे विच ए बी टाइप दे ओपन इंटरवल हुंदे है, ठीक है, और यूनियन फाई, ए पढ़ी सी तुसीं डेफिनेशन इहदी टोपोलॉजिकल। सो यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस असीं लैके चल पे आर यू बी यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस, असीं लैके चल पे एट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई एनी टू मैंबर्स ऑफ आर। टेक आ सी एजम्पशन लैनी इहनूं प्रूव करन लई, असीं इक डेल्टा लै लिया, डेल्टा असीं की लिया 1/3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई दा मॉड विच इज ग्रेटर दैन जीरो, बिकॉज सानूं पता
किसी का भी मॉड की होंगे, चाहे वह पॉजिटिव नंबर हो जाए नैगेटिव, ग्रेटर दैन जीरो, थ्री ऑलरेडी साढ़े को पॉजिटिव है, सो डेल्टा इतने साढ़े को है ग्रेटर दैन जीरो। दैन एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा इज ओपन सैट। देखो तुम फिर की किया, एक पॉइंट लिया एक्स, एक्स लिए कि एक डेल्टा लै लिया इतने, सॉरी बच्चे डेल्टा आएगा, तुम एक डेल्टा लेके चल पे, देयर फोर उतो एक ओपन सैट जनरेट कर लिया। एक्स न कौन कंटेन कर रहा, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा। एक्स विच तुसी स्मॉल क्वांटिटी डेल्टा माइनस कर दिती और डेल्टा ही प्लस कर दिती, सो इहदे विच साडे कोल आ गया एक्स न कौन कंटेन कर रहा, एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा ओपन सैट। सिमिलरली वाई न कौन कंटेन कर रहा, वाई माइनस डेल्टा, वाई प्लस डेल्टा ओपन सैट। सो असी लै ले then x minus delta comma x plus delta is open set containing x, y minus delta, y plus delta is open set containing y। हुण देखो डेफिनेशन पूरी करन दे लई असी लैके चल पे x not equals to y लैके चल पे, ठीक। ओपन सैट एग्जिस्ट u दी जगह ते साडे कोल एग्जिस्ट कर गया इत्थे x minus delta x plus delta, v दी जगह ते एग्जिस्ट कर गया y minus delta y plus delta, सच दैट हुण दोनों दी इंटरसेक्शन की आनी चाहिए फाई। अगर दोनों दी इंटरसेक्शन फाई आ गई तो साडी थ्योरम कंप्लीट हो जाएगी, मतलब डेफिनेशन साड़ी कंप्लीट हो जाएगी। असी क्लेम करते हैं एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा इंटरसेक्शन की आनी चाहिए, दोनों ओपन सेट की फाई आनी चाहिए है, ठीक। असी दोनों की इंटरसेक्शन फाई प्रूव करनी, असी लेके चल पे इफ पॉसिबल, असी ओपोजिट लेके चल पे, असी लेके चल पे इफ पॉसिबल लेट दोनों ओपन सैट की जी इंटरसेक्शन फाई नहीं है। अगर ये फाई नहीं है नॉन एम्प्टी है, दा मतलब इनू कोई ना कोई एलिमेंट तो बिलोंग करेगा। अगर ये खाली नहीं है नॉट इक्वल्स टू फाई, दा मतलब सी जेड बिलोंग्स टू दिस सैट, असी ले लिया जेड बिलोंग कर रहा इस पूरे सैट नू। अगर जेड इस पूरे सैट नू बिलोंग कर रहा, मतलब ये इंटरसेक्शन नू बिलोंग कर रहा। अगर कोई भी एलीमेंट ए बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी होएगा, मतलब ए ए च भी होएगा एंड ए बी च भी होएगा, ठीक। सो इतने भी असं यही कंसैप्ट लगाया, तो मतलब जेड पहले सैट च भी होगा एंड जेड बिलोंगस टू वाई माइनस डेल्टा वाई प्लस डेल्टा। हुण जेड अगर इस इंटरवल नू बिलोंग कर गया, इहदा मतलब इहदे बिटवीन लाई करेगा जेड, देयरफोर जेड इहदे बिटवीन लाई करेगा एक्स माइनस डेल्टा जेड एक्स प्लस डेल्टा। सिमिलरली अगर जेड इस इंटरवल नू बिलोंग कर रहा, इहदा मतलब जेड लाई करेगा बिटवीन वाई माइनस डेल्टा एंड वाई प्लस डेल्टा। उस तो बाद तुसीं क्या कीता, पूरी इनइक्वैलिटी च एक्स नू माइनस कर लिया। इत्थे अगर एक्स नू माइनस करांगे जीरो बन जाएगा, इत्थे जेड माइनस एक्स आ जाएगा, इत्थे अगर तुसी माइनस एक्स करोगे एक्स ने एक्स कैंसल होके डेल्टा। सिमिलरली पूरी टर्म दे विच, पूरी इनइक्वैलिटी दे विच तुसी वाई नू सबट्रैक्ट कर लिया, वाई खत्म कर लिया, सो साडे कोल आ जाएगा जेड माइनस वाई लाइंग बिटवीन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा। आ साडी कादी डेफिनेशन बन गई, मॉड दी, जेड माइनस एक्स लाइंग बिटवीन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा, देयरफॉर मॉड जेड माइनस एक्स लिख सकते लैस दैन डेल्टा एंड जेड माइनस वाई लाइंग बिटवीन माइनस डेल्टा टू प्लस डेल्टा, असी लिख सकते जेड माइनस वाई का मॉड इज लैस दैन डेल्टा। नाउ हुण असी एक्स माइनस वाई देखिया, एक्स माइनस वाई दे विच क्या किया, जेड एड करता, जेड इज सबट्रैक्ट, विच इज देखो इतने ट्राइंगल इनइक्वैलिटी लगाई, मॉड मॉड की सॉरी प्रॉपर्टी लगाई, क्या होंगी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी का मॉड तुसी ये पढ़िया हुआ पहले ही, ए प्लस बी का मॉड साढ़े को क्या होंगे लैस दैन इक्वल्स टू ए मॉड प्लस बी मॉड। साडे कोल ए दी प्लेस ते है एक्स माइनस जेड, ए मॉड प्लस बी मॉड। हुण एक्स माइनस जेड क्या है लैस दैन डेल्टा, जेड माइनस वाई भी क्या है लैस दैन डेल्टा, इन्हां दी वैल्यू फिल करती है कि आ गया टू डेल्टा। दिस इम्पलाइज असी देखो क्या कर रहे, क्योंकि असी जिहड़ा लैके असी प्रूफ तो करना सीगा कि यह फाई है, बट असी उल्टा लैके चले हैं, फिर मतलब कितने ना कितने जाके कॉन्ट्राडिक्ट तो होएगा। असी क्या करना, ए वाला देखना है कि ए वाला जो फॉर्मूला है, ए जो डेल्टा लेके चले कि इहदी वैल्यू असी बना लेनी। हुण देखो असी एक्स माइनस वाई बना लिया सी इहदे अकॉर्डिंग, हुण उहनूं वन बाय थ्री ना कर लेना मल्टीप्लाई, वन बाय थ्री ना मल्टीप्लाई करके साडे कोल ए आया सी एक्स माइनस वाई, साडे कोल आया सी लैस दैन टू डेल्टा, ठीक है। जदों वन बाय थ्री ना इत्थे मल्टीप्लाई कीती, इत्थे साडे कोल आ गया वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई मोड लैस दैन टू बाय थ्री डेल्टा। दिस इम्पलाई साडे कोल ए वाली इक्वेशन नूं असी की लिया होया, वन बाय थ्री एक्स माइनस वाई नूं की लिखिया होया डेल्टा, सो इहदी प्लेस ते असी डेल्टा फिल कर दिता लैस दैन टू बाय थ्री डेल्टा। डेल्टा ना डेल्टा कैंसल, साडे कोल आ जाएगा वन लैस दैन टू बाय थ्री। इज इट पॉसिबल, नो, वन छोटा हुंदा टू बाय थ्री तो नो, विच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर असी जो लैके चले सी वो गलत सी, ठीक। इहदा मतलब असी लैके की चले सी कि इहदी इंटरसैक्शन नॉट इक्वल्स टू फाई है, बट साडे कोल इन्हां दोनों दी इंटरसैक्शन की है फाई, देयरफॉर
ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਈ 5। ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਰ ਯੂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ T2, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ। ਠੀਕ, ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਇਫ ਟਾਓ ਐਫ ਇਜ਼ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਔਨ ਐਨ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ, ਦੈਨ ਸ਼ੋ ਦੈਟ ਐਕਸ ਟਾਓ ਐਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ ਟਾਓ ਐਫ ਨੂੰ ਨਾਟ ਅ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਕੇ, ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਲੈਟ ਐਕਸ ਬੀ ਅ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਟਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਏ ਸਬਸੈਟ ਐਕਸ ਲੈਣੇ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਗਰ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟਾਓ ਚ, ਯੂਨੀਅਨ 5, ਬੀ ਏ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਔਨ ਐਕਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਇਫ ਪੋਸੀਬਲ ਲੈਟ ਐਕਸ ਟਾਓ ਐਫ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਆਲ ਐਕਸ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਵਾਈ ਦੇਅਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਓਪਨ ਸੈੱਟ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ ਐਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਦੈਟ ਜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, 5। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਚ 5 ਹੈ। ਅਗਰ ਜੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਐਚ 5 ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਥ ਸਾਈਡ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਧਰ ਵੀ, 5 ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸ, ਇਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਡੀ ਮੋਰਗਨ ਲਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਨਵਰਟ ਟੂ ਯੂਨੀਅਨ ਐਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ ਐਚ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਐਕਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੇ ਐਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਓਪਨ ਸੈੱਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਜੀ ਐਂਡ ਐਚ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਟਾਓ ਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਐਚ ਵੀ ਕਾਹਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਓ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਓਪਨ ਸੈੱਟ ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਜਾਏਗਾ, ਟਾਓ ਚ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਓ ਐਫ ਲਿਆ, ਟਾਓ ਐਫ ਮਤਲਬ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਔਰ ਐਚ ਕਾਹਦੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਟਾਓ ਐਫ ਚ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਟਾਓ ਐਫ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟਾਓ ਐਫ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈੱਟ ਟਾਓ ਐਫ ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨਾਈਟ। ਹੁਣ ਜੀ ਤੇ ਐਚ ਟਾਓ ਐਫ ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਚ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਆਉਗੇ, ਫਾਈਨਾਈਟ ਆਉਗੇ। ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਲਸੋ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਐਕਸ। ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਲਸੋ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਕੋਫਾਈਨਾਈਟ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾਤਾ, ਐਕਸ ਇਜ਼ ਫਾਈਨਾਈਟ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ, ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਵਰ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਕਿਆ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਐਕਸ ਟਾਓ ਐਫ, ਇਹ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 1, ਐਵਰੀ ਸਬਸਪੇਸ ਆਫ ਅ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਅ ਹੋਸਟ ਆਫ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਆਫ ਹੁੰਦੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਐਕਸਟਰਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਹੋਸਟ ਆਫ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਸੇ ਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਆਫ। ਔਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਬੀਂਗ ਏ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਇਜ਼ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ। ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਸਪੇਸ ਕੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਕੋ ਵੀ ਹੋਏ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਕੋ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਪੋਜੈਸ ਕਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਵੀ ਪੋਜੈਸ ਕਰੇ, ਦੈਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਬ ਹੋਸਟ ਆਫ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਹੋਸਟ ਆਫ ਅਗਰ ਸਪੇਸ ਹੋਸਟ ਆਫ ਹੈ ਦੈਨ ਸਬ ਸਪੇਸ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਸਟ ਆਫ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਰੂਫ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰੂਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਲੈਟ ਲੈਟ ਐਕਸ ਟਾਓ ਬੀ ਅ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ, ਅਸੀਂ ਐਕਸ ਟਾਓ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਆਫ ਸਪੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਐਂਡ ਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਬੀ ਅ ਸਬ ਸਪੇਸ ਆਫ ਐਕਸ, ਐਕਸ ਦੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਲੈਟ ਟਾਓ ਵਾਈ ਬੀ ਦਾ ਸਬ ਸਪੇਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਡਿਫਾਈਨਡ ਔਨ ਵਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਵਾਈ ਦੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਲੈ ਲਈ,
टाउ वाई भी द सबस्पेस टोपोलॉजी, देयरफॉर टाउ वाई दी डेफिनेशन क्या होएगी? देखो सबस्पेस टोपोलॉजी दी डेफिनेशन असी प्रीवियस लेक्चर्स विच कीती हुई है, की हुंदी है? यू इंटरसेक्शन वाई, यू बिलोंग्स टू टाउ। अगर तुसी सबस्पेस टोपोलॉजी विच कोई भी मेंबर लिखना हो किस टाइप दा हुंदा है, यू के दा मेंबर होना चाहिदा टाउ दा, ओदी इंटरसेक्शन किन्ना लेनी है वाई ना, ओ कदे चले जाएगी सबस्पेस टोपोलॉजी। वी आर टू शो दैट, असी देखो शो क्या करना, असी शो करना वाई भी साडे कोल की बनती है, होस्ट ऑफ स्पेस। ए प्रूव करना कि वाई भी साडे कोल क्या है, होस्ट ऑफ स्पेस। सो होस्ट ऑफ स्पेस असी लाइक होस्ट ऑफ स्पेस प्रूव करने लिए क्या लेने, ओदी डेफिनेशन दे अकॉर्डिंग। फॉर दिस होस्ट ऑफ स्पेस प्रूव करने दे लिए असी दो एलिमेंट लेके चलते हैं, लेके चल पे लेट एक्स इज नॉट इक्वल्स टू वाई, वाई नू होस्ट ऑफ स्पेस प्रूव करना। सो असी दो एलिमेंट के चो लेके चलने, वाई चो ही लेके चलने हैं। लेट एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई बिलोंग्स टू वाई, सिंस हुन सानू पता जेड़ा वाई के दा सबसेट है एक्स दा, देयर फॉर अगर एक्स वाई साडे कोल वाई च है, दिस इम्पलाइज एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई कादे च चले गए, एक्स च, क्योंकि वाई के दा सबसेट है एक्स दा। अगर ये वाई च है तो किदे चले जाएंगे, एक्स च। एंड एक्स सानू की गिवन है, एक्स इज होस्ट ऑफ स्पेस, एक्स सानू पता है होस्ट ऑफ स्पेस है। अगर एक्स होस्ट ऑफ स्पेस है, देयर फॉर देयर एग्जिस्ट टाओ ओपन सेट यू एंड वी सच दैट, अगर होस्ट ऑफ स्पेस है देन ओदी डेफिनेशन लगेगी कि एदे लिए ओपन सेट यू एग्जिस्ट कर गया, एदे लिए ओपन सेट वी एग्जिस्ट कर गया, सच दैट एक्स यू च है वाई वी च है एंड दोनों की इंटरसेक्शन साडे कोल की है फाई है। ठीक, ए तां साडा हो गया। हुण असी देखो प्रूफ की करना वाई नू होस्ट ऑफ, मतलब वाई चो अगर दो एलीमेंट लैके चलने आ, असी एक ओपन सेट एदे लिए एग्जिस्ट कराना, एक एदे लिए कराना, और दोनों की इंटरसेक्शन की होनी चाहिए है फाई। हुण साडे कोल एक्स विच ओपन सेट एग्जिस्ट कर गए, यू एंड वी की है टाओ, असी अगर यू एंड वी नू किसी तरह टाओ वाई च लैके चल जाइए, दैन साडे कोल टाओ वाई च ओपन सेट आ जाएंगे। हुण साडे कोल है नाओ यू वी किहदे च है टाओ च, दैट इज यू एंड वी आर ओपन इन एक्स, टाओ च लिखण दा मतलब है एक्स च ओपन है। देयर फॉर अगर इन्हां दी इंटरसेक्शन वाई ना ले लिए, यू इंटरसेक्शन वाई एंड वी इंटरसेक्शन वाई, एक आज ओपन आ जाएंगे एक्स इंटरसेक्शन वाई च, दिस इम्प्लाइज यू इंटरसेक्शन वाई एंड वी इंटरसेक्शन वाई आर ओपन सेट्स इन, एक आधे च ओपन सेट हो गए, एक्स इंटरसेक्शन वाई च कौन आएगा वाई, क्योंकि वाई की है सबसेट ऑफ एक्स है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕੌਣ ਆਏਗਾ ਵਾਈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਦੋ ਓਪਨ ਸੈਟ, ਕਾਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਗਏ ਵਾਈ ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈ ਐਂਡ ਵੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਈ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਏ, ਟਾਓ ਵਾਈ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਸੈਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਾ ਲਏ, ਹੁਣ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ। ਆਲਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸ ਯੂ ਚ ਹੈ, ਐਕਸ ਯੂ ਚ ਸੀ, दिस इम्पलाइज आलसो एक्स वाई च भी सी, क्योंकि असी स्टार्टिंग दे विच एक्स के दा एलीमेंट लिया सी कैपिटल वाई दा, दिस इम्पलाइज एक्स के च चला गया यू इंटरसेक्शन वाई च। सिमिलरली वाई के दा मेंबर है वी दा, आलसो वाई कैपिटल वी च भी सीगा, दिस इम्पलाइज वाई बिलोंग्स टू वी इंटरसेक्शन वाई, ए चला गया। हुण देखो असीं दो डिस्टिंक्ट एलीमेंट लैके चलने आ वाई दे, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई बिलोंग्स टू वाई। ठीक है, सानू दो ओपन सैट मिल गए जिहड़े एक्स, एक एक्स नू कंटेन कर रहे आ एक वाई नू। ठीक, इत्थों फिर असीं कंकलूड कर देंगे, देयर फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई बिलोंग्स टू वाई, देयर एग्जिस्ट टाओ वाई ओपन सैट्स यू इंटरसेक्शन वाई एंड v intersection y such that x belongs to u intersection y belongs to v intersection y and hun assi inna di intersection check kariye such and u intersection y intersection v intersection y e kya aa jayega u intersection v intersection y di intersection donna ch common hai oh bahar likh le hun u intersection v oh si x di sigi
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ u ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ v ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ phi ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ देयरफॉर u इंटरसेक्शन v की आ जाएगा फाई इंटरसेक्शन y फाई दी इंटरसेक्शन y ना की आ जाएगी फाई देयरफॉर साडी कंप्लीट हो गई पूरी डेफिनेशन x नॉट इक्वल्स टू y बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट tau y ओपन सेट u इंटरसेक्शन y v इंटरसेक्शन y सच दैट दोनों दी इंटरसेक्शन हो गई फाई हेंस y इज होस्ट ऑफ स्पेस सो y साडे कोल क्या आ गई होस्ट ऑफ स्पेस आ गई ओके थैंक यू स्टूडेंट्स